सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री, गीता, गंगा तथा गौ, ये भारतीय संस्कृति की चार आधारशिलाएं हैं और इनमें सर्वप्रथम स्थान गायत्री का है। इसीलिए गायत्री मंत्र को मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र अर्थात गुरु मंत्र कहा गया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सृष्टि जिसमें हम रहते हैं यह धर्म पर टिकी हुई है और धर्म वेदों पर टिका हुआ है। एक मान्यता है वेदो अखिलस्य धर्म मूलम, अर्थात इस अखिल विश्व का जो मूल है वो वेद है। वेदों की माता गायत्री है। गायत्री से ही वस्तुतः इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और गायत्री ही हमारी समस्त समस्याओं का हल समाधान निकालने में सक्षम है। सर्वव्यापी परमात्मा, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस सवितु प्रकाश रूप, वरेण्य अपनाने योग्य, भर्गो पाप नाशक, देवस्य दिव्य को धीमहि हम धारण करें, थियो बुद्धि को, यो जो न हम सब की प्रचोदयात् प्रेरित करें, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक,
देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ऋषि एक स्वर में गायत्री की महिमा को स्वीकार करते हैं। गायत्री मंत्र चार वेदों का सार है। इसे जानने से वेद जानने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मदेव के समान चारों वेदों में और कोई मंत्र नहीं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को दूर करती है। गायत्री से आत्मा निर्मल होती है। ऋषि वेद व्यास
गायत्री साक्षात शक्ति का अवतार है, देवर्षि नारद। वर्तमान शताब्दी के महापुरुष भी गायत्री का वैसा ही महत्व स्वीकार करते हैं जैसा कि प्राचीन काल के ऋषियों ने स्वीकार किया था। गायत्री मंत्र का जप यदि शुद्ध चित्त होकर किया जाए तो जप करने वाला रोग ग्रसित ही नहीं होता, उसके समस्त कष्ट भी दूर हो जाते हैं। महात्मा गांधी। गायत्री मंत्र के जप से मैंने वो सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली जिनकी मुझे आशा भी नहीं थी। रवींद्रनाथ टैगोर। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम से और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं उनके लिए ये मंत्र संसार सागर में तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। स्वामी दयानंद। यो यो नः प्रचोदया। ओम।
गायत्री युग शक्ति है, अनगण को सुगण बनाने का साधन है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा। गायत्री बुद्धि को काम से हटाकर राम में लगा देती है। स्वामी राम तीर्थ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से, भीष्म ने कौरव पांडव से इसकी महिमा का गान किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंदसामहम, अर्थात छंदों में छंद मैं गायत्री हूं। अर्थात गायत्री वो मंत्र है जिसकी महिमा सबने गाई। गुलशन कुमार की महान धार्मिक प्रस्तुति, भारत के महिमावान तीर्थ स्थानों की यात्राओं का सजीव चित्रण, जिसके दर्शन से आप अपने आप को परमात्मा के अत्यंत निकट अनुभव करेंगे। यात्रा वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, महालक्ष्मी, वज्रेश्वरी और वज्रेश्वरी बाणगंगा, इन सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्राओं की VCD और DVD केवल T सीरीज पर उपलब्ध।